आ गया। हम सोच रहे दिल्ली जाए, दिल्ली की हैदराबाद जाए। ये बुजुर्ग रोती हुई पीड़ित महिला चक्कर पर चक्कर लगा रही है, लेकिन उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। एकमात्र उम्मीद की किरण जनता मिलन कार्यक्रम में डीएम साहब से मिलकर अपनी व्यथा सुनाना था, लेकिन डीएम साहब तो मिलते ही नहीं। ये सिर्फ एक बुजुर्ग नहीं, बल्कि ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो डीएम साहब से जनता मिलन के समय अपनी फरियाद लेकर आते हैं, लेकिन डीएम साहब को आराम से फुर्सत नहीं। हम 4 दरखास्तें दे चुके हैं डीएम साहब के पास, अब फोन भी करवा चुके हैं, मंत्री लोगों ने फोन भी किया। अब आज लखनऊ से फोन हुआ बेटा, और यहाँ से मतलब घर के हरदोई के मतलब जो हमारे हरदोई की इस वक्त मंत्री हैं उन्होंने भी फोन किया, उन्होंने ऑर्डर कहा कि सिंध नापी जाए, मगर साहब हमारी सुनवाई नहीं हो रही कोई। कहाँ से आई और कितने दिनों से दौड़ रही है? हमें कम से कम 3 महीने हुए हम दौड़ते, कोरोना जब से लगा हुआ जब से हम दौड़ रहे, करीब हमारे साल भरे थे ये पीछे पड़े हुए। वो सड़क पर जमीन है, सरकारी जमीन है, उस पर ये लोग दुकान बनाने के लिए कब्जा कर रहे हैं कि किसको बेच के, इन लोगों ने अपने लंबर भी लगा रखे, बिक्री के लिए प्लाट बना रखे हैं, अब कोई सुनवाई साहब नहीं हो रही है। बात साफ है कि हरदोई जनपद के जिला अधिकारी अविनाश कुमार जनता दर्शन में ना बैठकर आराम फरमा रहे हैं, वहीं जनता दर्शन में कलेक्ट्रेट के बाबू जनता की फरियाद सुनते हैं, वहीं फरियादी चक्कर लगाते रहते हैं लेकिन उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता। ऐसे में समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के आदेशों की किस तरह से हरदोई जनपद के जिला अधिकारी धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आराम तलब अधिकारियों पर क्या कार्यवाही करते हैं। सर, मेरा एक काम है बैंकिंग से जुड़ा हुआ, मैं पिछले 15 दिनों से लगभग हर रोज सुबह 10 बजे आता हूँ, 1-2 बजे तक बैठा रहता हूँ। डीएम साहब के पास सूचना जाती है कि नहीं जाती है मुझे ज्ञात नहीं, फ़ोन पर बात कई बार होती है लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही है। जनता दरबार के नाम पे आदरणीय जिलाधिकारी हरदोई जनता से बिल्कुल नहीं मिलते हैं, सिर्फ सिलेक्टेड लोगों से मुलाकात करते हैं। ये बहुत स्थिति दयनीय है, इससे उत्तर प्रदेश सरकार की छवि बहुत धूमिल हो रही है। जिम्मेदारों को संज्ञान लेना चाहिए, जिलाधिकारी अगर सर्वे सर्वा है तो चुनाव प्रक्रिया देश में ख़त्म कर देनी चाहिए। ये वो आवाजें हैं जो कैमरे के सामने नहीं बोल पा रहे, लेकिन ऐसी आवाजें सैकड़ों में हैं जो बार बार कह रहे हैं कि इससे अच्छे तो पहले वाले जिलाधिकारी थे जिनके दरवाजे लोगों के लिए हमेशा खुले रहते थे और वो लोगों के बीच हमेशा उपलब्ध रहते थे। अब लोग पुलकित खरे की कमी को महसूस कर रहे हैं। द पंचौरा न्यूज के लिए हरदोई से आशीष सिंह की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।